अभी ये बीएमसी वाले पगार तो लेते हैं, बहुत बड़ा अफाट पगार मिलता है उनको, उससे उनको समाधान नहीं है। पब्लिक से पैसा निकालने के लिए कैसा भी रूम बनवा देते हैं, डबल करवा देते हैं। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूँ जिशान आजमी। आज की ताजा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हुआ है हमारी चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय मौजूद है मलाड ईस्ट आरपीआई कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरपीआई जिला अध्यक्ष हरिहर यादव। इसका विषय है हरिहर यादव और इनकी पार्टी बीएमसी पर मोर्चा करने वाली, इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे। यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप जो बीएमसी पर मोर्चा लेने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग जानकारी लेने के लिए आए। आपने समझा कि मोर्चे के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए। दीवान सिंह चाल है दारूवाला कंपाउंड में, मलाड वेस्ट में। वहां पर प्रदीप गुप्ता करके अनधिकृत डबल माला बनाया है दादागिरी से, वहाँ के मालिक से उन्होंने कोई परवानगी नहीं लिया। और हमको तकलीफ वहाँ हुआ जब हमारा वहाँ आरपीआई का पोल था, वो पोल करके काट के वो बगल में रख दिया। पोल बगल में रख देने के बाद हम लोगों को जब मालूम पड़ा तो हम लोगों ने मलाड पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई धनंजय लिंगाड़े साहब से मुलाकात किया। लिंगाड़े साहब ने उस विवाद को झंडे का दोनों पार्टी को समझा करके पोल लगवा दिया है। तो धनंजय लिंगाड़े पीआई मलाड पुलिस स्टेशन को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं, उनका मैं शुक्रिया करता हूं कि वहां जो झंडे के नाम पर जो विवाद होने वाला था वो विवाद उन्होंने समय देकर और उसमें लक्ष्य देकर के वो विवाद उन्होंने बाजू में कर दिया। अभी वो गुप्ता का, प्रदीप गुप्ता का ऐसी हिम्मत कि उन्होंने आरपीआई का जो पोल काट दिया तो उसके ऊपर तो केस ही लेना चाहिए, लेकिन हमारा पोल लग गया, चलो हम समझ सकते हैं। उन्होंने बिना परमिशन का जो माल्या बनाया है वो माल्या तोड़वाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का मंगलवार दिनांक 17 को सुबह 11 बजे पी नॉर्थ वार्ड के ऊपर मोर्चा है और मोर्चा बड़ी संख्या में होगा। वहाँ पहले भी पत्र दिए है कि उसका मालिया टूटना चाहिए, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि हम पोल को टच नहीं करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने पोल को काट के रख दिया बगल में। तो हम ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ते हुए हम जो है गुप्ता से झगड़ा करें या उसके ऊपर केस करें वो नहीं करते हुए, जो भी उन्होंने अनलीगल काम किया है, अनलीगल बांध काम तोड़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से, उत्तर मुंबई जिला के तरफ से पी नॉर्थ वार्ड के ऊपर मोर्चा हमने आयोजित किया है। आपका ये कहना है कि बीएमसी के अंदर में जो बीएमसी के हद में जो बांध काम हुआ है ये अनलीगल है? हाँ, वो डबल मालिया है, उन्होंने पक्का बांध काम किया है, अनलीगल बांध काम किया है, अनलीगल बांध काम तोड़ने का काम होना चाहिए। मलाड बीएमसी के अंदर में बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि जहाँ पर अनधिकृत बांध काम होते हैं, कब्जा का प्रश्न है, अवैध कब्जा होता है, और ऐसे जो बांध काम जैसे भी आप जानकारी दे रहे हो, इन्हीं बांध कामों की वजह से कई मकान बारिश में या किसी भी समय पे गिरते रहते हैं, उसमें लोग दब करके उनकी जान माल का नुकसान होता है। तो इसकी जिम्मेदारी जो ये बांध काम हो जाते हैं प्रशासन क्यों नहीं लेता है? मलाड में बहुत सारे बांध काम चालू है, ओपन के ऊपर भी चालू है और भी सब काम चालू है, लेकिन यहाँ हमारा इसलिए ध्यान गया कि वो हमारे पोल को जब टच किया, काट करके रख दिया और वहाँ के चाल मालिक ने हमारे पास कंप्लेन किया, उसे तकरार की, गैर कानूनी तरीके से वहाँ पोल काट कर रख दिया और गैर कानूनी तरीके से वो मालिया बनाया। और वहाँ पर जब पुलिस वाले भी गए तो अपना जो है वो मनी पावर और मसल पावर
दिखा रहा था पुलिस वाले को भी और हमारे कार्यकर्ताओं को ही, तो हमको थोड़ा सा ये हुआ। बाकी हम ये लीगल मतलब अगर करना है तो परमिशन लेकर के आप करो, परमिशन दिया है तो करो, अगर आपने परमिशन नहीं लिया है, अनलीगल किया है और हद से ज़्यादा किया है, तो जो भी उसके बाहर है, कायदे के बाहर, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मलाड बीएमसी में अनेकों तरह की शिकायतें रहती हैं, जैसे 1916 रिकॉर्डेड कॉल है गवर्नमेंटेड, ऐसे भी तकरार होती है, कंप्लेंट होती है, लेकिन मलाड बीएमसी तो आँख मूंद करके सोई रहती है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि जो कि मलाड बीएमसी के अंदर पड़ी हुई है, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसी तरीके से अगर आपके इस जो आपकी शिकायत है, आपका कंप्लेंट है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आपका क्या अगला कदम होगा? अगला कदम जो है, हम ये बीएमसी को जगाने का काम करेंगे। बीएमसी अगर सोया हुआ है तो हर जगह कार्रवाई करने के लिए हम लिस्ट बना के देंगे उनको, सब जगह कार्रवाई करो, ओपन के ऊपर भी करो, 5 महलिया है, 3 महलिया है, वो बनता है और वहाँ ऑफिसर जो है लेन देन में के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऑफिसर के पीछे पड़ने का काम हम लोग करेंगे। यह कार्रवाई तो सिर्फ पेपर पर रह जाती है, दिखती नहीं है। पब्लिक भी ये है ना, पब्लिक उसके पीछे पड़ेगा तो ज़रूर होता है। सिर्फ ऑफिसर तो ठीक है, अगर चोर चोरी करता है तो चोर को दौड़ाना चाहिए, पब्लिक चिल्लाना चाहिए, तो चोर चोरी करना बंद करेगा। अभी ये बीएमसी वाले पगार तो लेते हैं, बहुत बड़ा अफाट पगार मिलता है उनको, उससे उनको समाधान नहीं है। पब्लिक से पैसा निकालने के लिए कैसा भी रूम बनवा देते हैं, डबल करवा देते हैं। आरोप नहीं लगा रहे हो आप बीएमसी? बीएमसी के ऊपर तो आरोप ही है ना। बीएमसी वहाँ जो है अनधिकृत बांध काम देने का परमिशन कैसे दिया उन्होंने? जबान से, पेपर का परमिशन नहीं दिया, जबान से दे दिया, तभी तो वहाँ पर हुआ ना काम। आपको प्रशासन से आपकी क्या मांगनी रहेगी अगर ऐसा कार्रवाई नहीं हुई आपके मुताबिक? मेरा यही मांग है कि जिस तरह से उन्होंने हमारा आरपीआई के झंडे का पोल काट करके रख दिया, उसी तरह से उनकी पूरी मकान काट करके रखने का काम बीएमसी करनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट के मलाड विधानसभा के अंदर दारू वाला कंपाउंड लीना दीवान सिंह चाल में हमारा पोल वहाँ पर पिछले 10 साल से वहाँ पर है। 10 साल से वहाँ पर रहने के बावजूद पोल को जिस तरह से बार बार बीएमसी और पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करके बोला गया था कि पोल को ना छूकर आप अपना काम करें, उससे हमें उनके काम से हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ हमारे पोल की रक्षा करना था, जिसके लिए हमने पुलिस प्रशासन और बीएमसी दोनों को हमने बार बार अवगत करने के बावजूद उन्होंने भूमाफिया को संरक्षण देते हुए उसको तोड़वाने का काम बीएमसी ने किया है। मैं पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सीनियर साहब और वहाँ के सिंधे करके जो बीट ऑफिसर थे, उन्होंने वहाँ पर खड़े रहकर झंडा लगवाने का काम उन्होंने कराया। लेकिन जिस प्रकार से बीएमसी ने इस पे अनदेखी और लापरवाही की है, और ये सिर्फ इसी पोल का ही नहीं, हमारे रिपब्लिकन पार्टी का, मैं इसके बार बार से वो करता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के झंडे बैनर के ऊपर बीएमसी का हमेशा से दुर्व्यवहार रहा है, जिसके वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बीएमसी को हमारे इस पार्टी के झंडे से या हमारे पार्टी के किसी भी प्रकार के कार्यक्रम से चिढ़ उनको क्यों है, उसका उनको जवाब देना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर जब वो अवैध निर्माण को अगर संरक्षण देने का काम करते हैं, अवैध निर्माण पे अगर कोई भी तकरार जाती है तो तकरार के ऊपर कार्रवाई करना बीएमसी का काम है, लेकिन बीएमसी उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वो अगर झंडे को कटवा कर और अगर किसी का घर बनवाना चाहती है तो बीएमसी इस कृत्य को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए ही हम लोगों ने ये मोर्चा लिया हुआ है।